क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक रूम है जिसका जिसका जो लेंथ है 5 मीटर है, 4 मीटर इसका ब्रेथ है और 3 मीटर इसकी हाइट है। ये हाइट इसकी हो जाती है, ये ब्रेथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया। अब इसमें कह रहा है कि वाइट वॉशिंग मतलब उसे पेंट करना है वॉल को, तो सीलिंग को करेगा और वॉल को करेगा, कोई फ्लोर को तो वॉशिंग नहीं करेगा, तो फ्लोर हमारे यहाँ एक्सेप्शन है। और क्या कह रहा है, कॉस्ट निकालना है और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7.50 मीटर स्क्वायर रुपीस मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पे यही मिलेगा, यही कॉस्ट हमको देना रहेगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फोर वॉल्स के पहले निकालेंगे, फोर वॉल्स का मतलब लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और फिर ऊपर जो सीलिंग है सीलिंग रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लिटरल सरफेस एरिया प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, लेंथ, लेंथ कितना है 5 मीटर, और क्या गिवन है, ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 4 मीटर, और हाइट दिया है, हाइट कितना है 3 मीटर। यहाँ रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो रेस्पेक्टिवली मतलब पहले क्या लिखा है, लेंथ, तो लेंथ ये होगा, ब्रेथ, ब्रेथ ये होगा, हाइट, हाइट ये होगा। तो उसी हिसाब से हमको करना है। तो पहले लिटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो हमको पहले टोटल एरिया निकालना रहेगा ना, जिसका हम लोग को कॉस्ट निकालना है। तो टोटल एरिया, तो एरिया इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो चार वॉल्स होते हैं, फोर वॉल्स ऑफ द क्यूब, जो साइड वॉल्स होते हैं रूम के, उसको निकालने के लिए हमें लेटरल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो उसकी सीलिंग है ट्रायंगुलर शेप है, तो उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 2 × L + B फिर × H + L × B। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 × हमारे पास L क्या है 5 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 4 मीटर × हाइट कितना है 3 मीटर प्लस लेंथ कितना है 5 मीटर × ब्रेथ कितना है 4 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 यहाँ इसको प्लस करेंगे तो 9 मीटर × 3 मीटर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, इसको करेंगे 18 ये मीटर में आ जाएगा क्योंकि मीटर से मल्टीप्लाई हुआ है, × 3 मीटर प्लस 20 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग का आंसर आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर आ गया, ये टोटल एरिया आ गया जिसका हमको कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है, कॉस्ट निकालने के लिए होता है एरिया, सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट। तो हमारा एरिया कितना आया है 74 मीटर स्क्वायर इनटू रेट यहाँ कितना दिया है 7.50 रुपीस। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 555 रुपीस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. We find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. Crates में निकालना है। तो length 5 meter है, breadth 4 meter है, height 3 meter है। तो literal surface area निकालेंगे, चार walls का निकालेंगे, तो exception में हम लोग का ये इसका जो फ्लोर है ये एक्सेप्ट है, हमको इसको नहीं निकालना है क्योंकि कोई भी अपना पेंट फ्लोर पे नहीं कराएगा। यहाँ पे सिर्फ सीलिंग की बात हो रही है और फोर वॉल्स की बात हो रही है, तो सीलिंग मतलब छत
तो छत का एरिया, छत एक रेक्टेंगुलर शेप है तो एल इंटू बी, और ये फोर वॉल्स का फॉर्मूला होता है लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, उसको पुट करेंगे तो हमारा एरिया आ गया 74 मीटर स्क्वायर। फिर कॉस्ट का, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू रेट, तो एरिया कितना है 74 मीटर स्क्वायर इंटू रेट कितना है ₹7.50, तो आंसर हमारा हो गया ₹555। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।